हेलो एवरीवन, एक नई साड़ी ड्रेपिंग के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं फ्रेंड्स। तो ये है हमारी, इसको हम सिल्क की साड़ी भी बोलेंगे और थोड़ा सा ये सैटिन साड़ी में भी इसका जो लुक है वो आता है फ्रेंड्स। और ये हमारी नेवी ब्लू कलर की साड़ी है और बहुत ही मुझे बेहद पसंद है। और इसमें जो गोल्डन लाइन है ना, उसकी तो बात ही अलग है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से इसकी साड़ी ड्रेपिंग शुरू करते हैं। इसको हम थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से ड्रेप करेंगे। तो यहाँ पर साड़ी को हमने सबसे पहले एक राउंड प्रॉपर तरीके से टक कर लिया है, जैसा कि आप सभी ने देखा। और ये साड़ी की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी खासी है फ्रेंड्स। और इसमें ये जो इसका जो पल्लू है, इन्होंने इस तरीके से ग्रे कलर कर दे करके बहुत ही इसका जो लुक है वो और दुगना कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने साड़ी को एक राउंड टक करके प्रॉपर तरीके से, और साड़ी को ड्रैप करने से पहले हील को ज़रूर पहन कर रखें। तो यहाँ पर मैंने पल्लू को पहले रफली बनाया है। पहले मैं कमर की साइड जो साड़ी की पल्लू की पहली प्लेट्स होती है उसको मैं इस तरीके से खींचते हुए लेकर के आई हूँ, और उसके बाद यहाँ पर पिन से इसको सिक्योर कर दूँगी। सिक्योर करने के बाद ना, जो बची हुई साड़ी है उसकी हम बना लेंगे प्लेट। तो प्लेट को मैं इस तरीके से यहाँ पर बना रही हूँ। हमें प्लेट को थोड़ा चौड़ा करना है, ज़्यादा नहीं। तो प्लेट इसमें कई सारी बनेंगी अगर आप इस तरीके से प्लेट बनाएंगे तो। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि कभी भी अगर आपको बहुत सारी, जैसे कम से कम 5-6 से 6 प्लेट चाहिए, तो इस तरीके से प्लेट बनाइए बहुत सारी, और बहुत अच्छी प्लेट बन जाती है। और आप देख सकते हैं कि इस साड़ी में कितनी सारी प्लेट और कितनी अच्छी तरीके से बन गई है। सबसे आसान तरीका है प्लेट्स बनाने का फ्रेंड्स, और अच्छी तरीके से बन भी जाता है। तो आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों की मदद से प्लेट बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। यहाँ पर जो हमारी पहली प्लेट है उसको मैं थोड़ा सा टाइटली लेकर के आऊँगी, और बाकी जो प्लेट है उसको एक एक करके मैं सेट करूँगी यहाँ पर। यहाँ पे जो ये नीचे की गोल्डन लाइन है ना, बहुत प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। और ये साड़ी का प्राइस जो है, मैंने एक बार और बताया है, एक बार और बता देती हूँ, इसका केवल 299 रुपीज़ है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी साड़ी है। और यहाँ पर जितनी भी प्लेट है सबको मैं प्रॉपर तरीके से पहले सेट करूँगी। सेट करने के बाद जो पहली प्लेट है उसको मैं थोड़ा सा छोड़ करके, और बाकी जो प्लेट है उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड करूँगी, और उसके बाद एक एक करके जहाँ से हमें टक करना है वहाँ से प्लेट को पकड़ूँगी और फिर इसको हम टक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप अगर ध्यान से कोई चीज़ देखेंगे और समझेंगे ना तो ज़रूर समझ में आएगा। तो ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप प्लेट बनाएंगे ना तो आपकी प्लेट बहुत सारी बनेंगी और बहुत अच्छी प्लेट बनेंगी। तो यहाँ पर सारी प्लेट हमारी सेट हो गई है, तो इसको हम बराबर करेंगे। जब तक प्लेट सेट नहीं हो जाती ना, तब तक आप उसको टक मत करिए, नहीं तो फिर टक करने के बाद तो क्या होगा कि जब हम प्लेट सेट करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो बनेगी नहीं सही से। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्लेट बन करके आई है हमारी इस तरीके से। अभी हम जाएंगे अपने पल्लू की साइड। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा, छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं ना वो इधर उधर फैल जाती हैं तो उसको, और फूली फूली लगती हैं, तो उसको थोड़ा हाथों की मदद से आप प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा दबा करके उसको आप सही कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी पल्लू की प्लेट्स। तो पल्लू की प्लेट्स बनाना बेहद ईजी है फ्रेंड्स, बस इसको अपने शोल्डर पर रखेंगे पहली प्लेट को। उसके बाद यहाँ पर मैं जो हमारी नीचे की साइड वाली गोल्डन लाइन का बॉर्डर है, जैसा कि आपको दिख रहा है, वहाँ पर मैं केवल 3 बॉर्डर लूँगी इस तरीके से, और इसको मैं अपने शोल्डर पर रख दूँगी। और बहुत बढ़िया लुक आता है, जैसे हमें ऑफिस जाना है या फिर कॉलेज के लिए या फिर जैसे टीचर्स के लिए भी बेहद अच्छी साड़ी है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लुक आएगा। और इस तरीके से ड्रैप करेंगे ना तो पूरा कवर होके आएगा और ड्रैपिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरीके से खास करके आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा, विद्या बालन ज़रूर ड्रैप करती है, और मुझे बेहद पसंद है इस तरीके से साड़ी को ड्रैप करना। यहाँ पर जितनी भी, जो भी हमारी एक दो प्लेट है उसको हम सेट कर लेंगे, और जो हमारी गोल्डन लाइन है उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए इसको ड्रैप करेंगे ना, और प्लेट को लेंगे और फिर इसको हम अपने ब्लाउज से अटैच करते हुए पिन से सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी जितनी भी प्लेट है वो सिक्योर हो गई है, मैंने इसको अच्छी तरीके से पिन से सिक्योर कर दिया है, और बहुत ही सॉफ्ट है फ्रेंड्स ये साड़ी। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी पिन का यूज़ किया, बड़ी पिन का यूज़ नहीं किया है। तो बाकी जो प्लेट है उसको हम सेट करते हुए इसको सही कर लेंगे, और बस हमारी साड़ी ड्रैपिंग बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो हमारी ऊपर की प्लेट है उसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ से रखेंगे, और बस इसको इस तरीके से फाइनल लुक इसका आ गया है फ्रेंड्स। और आपको साड़ी ड्रैपिंग कैसी लगी, साड़ी कैसी लगी, और साड़ी पसंद आई होगी तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट साड़ी ड्रैपिंग में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।